तो फ्रेंड्स कैसे हैं। पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग समझाया था। वो कंट्रोल वायरिंग जो समझाया था हमने दो कॉन्टैक्टर, दो पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन और एक स्टॉप पुश बटन के साथ, लेकिन उसमें हमने कॉन्टैक्टर के साथ एनओएनसी ब्लॉक भी यूज किया था। फ्रेंड्स अभी मैं इस वीडियो में भी रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कंट्रोल पैनल ही बनाऊंगा, लेकिन इसमें अब मैं दो स्टार्ट पुश बटन यूज नहीं करूंगा और हमारा जो एनओएनसी ब्लॉक लगाया था कॉन्टैक्टर पे ये भी यूज नहीं करूंगा। ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, दो पोजीशन का सिलेक्टर स्विच, इसके थ्रू बनाऊंगा मैं। तो इसको यूज करने के बाद हमें ना दो स्टार्ट पुश बटन की जरूरत चाहिए, ना स्टॉप पुश बटन, ना ही हमें एनओएनसी ब्लॉक कॉन्टैक्टर पर लगाना होगा। हमें सिर्फ दो कॉन्टैक्टर और एक ओवरलोड रिले और ये हमारा सिलेक्टर स्विच दो पोजीशन वाला चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो की कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके ड्राइंग को समझते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मैंने सिलेक्टर स्विच लिया है, फिर उसके बाद दो कॉन्टैक्टर लिया और एक थर्मल ओवरलोड रिले लिया है। तो सबसे पहले फेज का जो वायर है हमने दोनों अपने सिलेक्टर स्विच के दोनों एनो पर डाल दिया और इन दोनों एनो के आउट से हमने दोनों कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई दे दिया है और न्यूट्रल जो है हमने थर्मल ओवरलोड के रिले के एनसी से होते हुए दोनों कॉइल को दे दिया है न्यूट्रल, दोनों कॉन्टैक्टर के दूसरे कॉइल को। तो इस तरीके से हमने इसका कनेक्शन दिखाया हुआ है, अब इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा स्विच है, इन दोनों एलिमेंट है, इसको यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में लगा देते हैं। इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं। लगा दिया, अब आप देख पा रहे हैं एक बार ये ऑन होता है, एक बार ये ऑन होता है, दोनों एक साथ कभी भी ऑन नहीं होगा इसमें, इसलिए आपको यहाँ पे एनसी की जरूरत नहीं होगी, एनसी पॉइंट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक बार में एक ही ऑन होगा, दूसरा ऑन होने का चांसेस ही नहीं है। पहले क्या करते हैं कि दोनों का एक कॉइल जो है वो कॉमन कर लेते हैं। दोनों का A2 कॉइल को हमने कॉमन कर लिया, अब हम इसको इसमें लगा देते हैं, रिले को कॉन्टैक्टर के साथ लगा लेते हैं। ये कॉइल की जो वायरिंग है A2 कॉइल की वायरिंग, ये कॉमन मैंने पहले ही कर लिया रिले लगाने से पहले, क्योंकि रिले लगाने के बाद में यहाँ पे वायर डालना मुश्किल होगा, तो ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसके रिले का जो हमारा एनसी पॉइंट है 95-96, यहाँ से हम न्यूट्रल यहाँ पे लेंगे और न्यूट्रल यहाँ से आउट होके हम इसके इस कॉइल को दे देंगे। एक कॉइल को मतलब न्यूट्रल हमने रिले के थ्रू देना है, क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन पावर आउटपुट होगा ये दोनों कॉन्टैक्टर का जो आउटपुट होगा इसी यहाँ से होके, जब पावर वायरिंग बताऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि यहीं से होके वो मोटर पे जाएगा रिले से होके, एक ही रिले से दोनों मोटर को कंट्रोल करना है रिवर्स में फॉरवर्ड में, इसलिए रिले का कंट्रोल देना जरूरी है, इसलिए हम न्यूट्रल का जो कंट्रोल होगा उस रिले से कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ का जो 96 है, ये 96 नंबर से, ये दोनों एनसी है हमारा, तो एनसी के एक पॉइंट से हमने न्यूट्रल के एक वायर को एक कॉन्टैक्टर के दूसरे कॉइल को दिया और वहीं से दूसरे कॉन्टैक्टर को भी कॉइल को कॉमन कर लिया और यहाँ पे हम न्यूट्रल को इनपुट दे देंगे, तो यहाँ से न्यूट्रल आएगा एनसी से होते हुए ये दोनों कॉन्टैक्टर को डायरेक्ट मिल जाएगा, तो यहाँ हमें न्यूट्रल इनपुट देना है, तो वो अभी देते हैं। एक एनसी भी यूज किया हमने, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल दे दिया, ये फेस है और ये न्यूट्रल, न्यूट्रल से हमने एक वायर उठा के और हमारे थर्मल ओवरलोड रिले के 95 पे दे दिया कॉमन पे, और एनसी से वायर उठा के हमने इसके कॉइल को और यहाँ से दूसरे कॉइल को, ये मतलब न्यूट्रल डायरेक्ट हमें इस ओवरलोड रिले के थ्रू दोनों कॉन्टैक्टर को मिल गया। अब हमें क्या करना है, फेज की वायरिंग करनी है। फेज की वायरिंग कैसे करना है, सबसे पहले फेज का वायर यहाँ से उठा के हमें जो ये दोनों एनो है स्टार्ट पुश बटन, इसको कॉमन दे देना है डायरेक्ट फेज को दे देना है। फ्रेंड्स फेज का वायर यहाँ से उठाया मैंने और ये एनो के एलिमेंट पे दिया और यहाँ से लूप करके यहाँ दे दिया, मतलब दोनों पुश बटन पे हमारा पावर आ गया और यहाँ से आउट होके एक एनो से आउट होके हम इसके कॉइल को देंगे, दूसरे एनो से आउट होके हम इसके कॉइल को देंगे। जब भी हम पहले एनो को ऑन करेंगे ऐसे तो ये ऑन हो जाएगा, दूसरी तरफ करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, सिंपली यही करना है हमें। तो अगर इसके थ्रू बनाते हैं, सेलेक्टर स्विच के थ्रू बनाते हैं, तो बहुत आसानी से हमारा रिवर्स फॉरवर्ड बन जाता है। तो फ्रेंड्स वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ दिया
और यहाँ से आउट होकर एक पहले कॉन्टैक्टर को दे दिया कॉइल को, और यहाँ से दूसरे पुश बटन से दूसरे कॉन्टैक्टर को कॉइल को दे दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, पहले इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन करते हैं, देखिए ये ऑन हो गया। फिर इसको बंद करेंगे, इसको घुमाएंगे, ये ऑन हो गया, जैसे ऑन है। अगर रिले हमारा ट्रिप होता है, करंट ज़्यादा होता है तो ये ट्रिप होगा, ऐसे ट्रिप हो जाएगा। फिर इसको रीसेट कर लेंगे, ऑन हो जाएगा। ये होल्ड सर्किट नहीं है, डायरेक्ट है, पुश बटन नहीं है यहाँ पे, ये हमने लिया हुआ है सिलेक्टर स्विच, इसलिए डायरेक्ट रीसेट होते हैं, ये ऑन हो जाएगा। अगर पुश बटन होता तो जब तक हम ऑन नहीं करेंगे नहीं ऑन होगा, तो इस तरीके से ऑफ कंडीशन में जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि सिलेक्टर स्विच के थ्रू रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोलिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए जरूर, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद।